न्यू वीक और न्यू माइनक्राफ्ट अपडेट आ गया है। ये वाले वीक में बहुत सारे चेंजेस किए गए इंटरनली, तुम लोगों को हर एक चीज पता चलेगा। मेस में चेंजेस है, बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स है, तुम लोगों को ये सब जानना ही होगा। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले शायद एक बैड न्यूज भी है, तुम लोगों को एंड में पता चलेगा। सबसे पहले पूरा चेंजेस देख लेते हैं। ओके, दिस इज अ ग्रेट स्पॉन। सबसे पहले हम लोग 1.21 के अपडेट के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग 1.20.5 जो अभी रिसेंटली आने वाले उसके बारे में बात करेंगे। दो सेकंड, हमारे पीछे जस्ट स्पॉन पे यार मडिलो। ओके, दैट्स ग्रेट। सबसे पहला लॉक का जो माइनक्राफ्ट अपडेट लॉक का सबसे पहला चीज था, व्हिच इज ट्रायल चेंबर इज नाउ स्लाइटली रेयर। हम लोग इसको सिंपली टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्लैश लोकेट एंड हम लोग स्ट्रक्चर पे जाके ट्रायल चेंबर पे जाते हैं। दो सेकंड, स्पॉन्सर सिर्फ 210 ब्लॉक है, तो इतना भी क्या बोलते हैं हार्ड नहीं है इसको ढूंढना, सिर्फ 210 ब्लॉक दूर था स्पॉन्सर है। पर ट्रायल चेंबर का पता है डिफिकल्ट बात क्या है, इसको लोकेट करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, बिकॉज देयर इज जस्ट नो पर्टिकुलर वे कि इधर ट्रायल चेंबर होगा ही। और इस दे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग एक्जैक्टली 10,000 ब्लॉक दूर जाते हैं और हम लोग फिर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, स्लैश लोकेट स्ट्रक्चर ट्रायल चेंबर, और इधर से 71 ब्लॉक दूर है। माय गुडनेस, आज क्या हो रहा है, पहले 200 ब्लॉक और अभी 70 ब्लॉक्स। बस अभी हम लोग एकदम रैंडम जगह पे आ गए, दिस इज द थर्ड टेस्ट, होपफुली अभी धूरो। 290 ब्लॉक, भाई साहब मैं इतना लकी नहीं हो सकता, बट मैं इतना बोल सकता हूँ ट्रायल चेंबर इज ओके ओके। इसका मतलब इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, ट्रायल चेंबर को ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसके लिए माइनक्राफ्ट ने इसको इजी कर दिया है। हम लोग जो स्टार्टिंग में विलेज में थे ना, इधर ही हम लोग टेस्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग को कार्टोग्राफर चाहिए रहेगा, हम लोग थोड़ा बहुत एमराल्ड भी ले लेते हैं उसको मैक्स करने के लिए। आई थिंक तुम लोग को समझ ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। कोई इधर कार्टोग्राफर बनना चाहता है, तू क्या है, लेदर वर्कर। ओह, वी हेट लेदर वर्कर, मस्ती करो। इसका हम लोग काम करते हैं, फार्मर हटा देते हैं और हम लोग तू कार्टोग्राफर बनेगा। अभी कार्टोग्राफर बन गया तू, हम लोग तेरे को मैक्स पे लेके जाने वाले हैं, तो दिस विल बी फन। आर यू सीरियस, मेरे 64 एमराल्ड ऐसे ही चले गए, पूरे इन्वेंटरी को भर दिया, दैट्स इट, अभी तो अपग्रेड होएगा। बेसिकली तुम लोग को ट्रायल चेंबर का एक नया मैप मिल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को ये वाले विलेजर को लेवल 3 तक लेके जाना पड़ेगा। अभी मैंने इसको दो बार अपग्रेड किया, अभी शायद मैं अगर तीसरी बार कर दूंगा तो शायद ही हो जाना चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, इसी से हम लोग इसको मैक्स करने का ट्राई करते हैं। अभी वो अपग्रेड होएगा। ओके, वो अपग्रेड हो चुका है। हम लोग जो सबसे पहला मैप था विच वाज ओशन एक्सप्लोरर मैप, और उसके बाद हम लोग को मिला वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप, और अभी हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या मिलेगा। दिस इज एक्चुअली क्वाइट सैड, बिकॉज अभी तक नहीं मिला, तो इसका मतलब को एकदम मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा क्या ट्रायल चेंबर के लिए। ओके, कार्टोग्राफर इज मैक्स नाउ, और अभी ये वाले कार्टोग्राफर में नहीं मिला। दो सेकंड, माइनक्राफ्ट ने कुछ तो चेंज किया था राइट, आई थिंक मेरे को नहीं मिलेगा ये वाले बायोम में। हाँ देखो, मेरे को वापस ग्लोब मिला। शायद हर एक बायोम में डिफरेंट डिफरेंट मैप्स मिलते हैं। हम लोग अभी बेसिकली कौन से बायोम में, हम लोग को शोर बायोम में राइट, हम लोग अभी जस्ट प्लेन्स बायोम में आ गए। इधर तो वर्क करना चाहिए, अगर इधर भी वर्क नहीं किया इसका मतलब दिस इज रिग्ड। उसने बोला था 3 बार अपग्रेड करना। हम लोग सबसे पहले ओशन एक्सप्लोरर मैप मिला लेवल 2, वी गॉट इट, वी गॉट इट, इट वाज एक्चुअली द विलेजर प्रॉब्लम, तुम लोग उसको प्लेन्स बायोम में ढूंढना। तो हम लोग समझ गया सिंपली, हम लोग सिर्फ प्लेन्स बायोम चाहिए था। हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक हम लोग कंपस ले लेंगे एंड देन हम लोग वो ट्रायल चेंबर मैप ले सकते हो। तुम लोग उसका टेक्सचर देख सकते हो, रेड कलर का है पहली बार है, और तुम लोग देख सकते हो स्पॉन से नजदीक वाला ही ट्रायल चेंबर है। ट्रायल चेंबर जहां पे भी लोकेटेड होगा मैप पे वो डिजाइन दिखेगा तुम लोग को। और जैसे हम लोग ट्रायल चेंबर के ऊपर एक्जैक्टली आ गए, हम लोग इधर से काम करते हैं, स्पेक्टेटर मोड में जाएंगे एंड एज यू कैन सी देयर इज अ ट्रायल चेंबर राइट हियर। ओके, प्लेन्स बायोम वाज द वे टू गो। मेज का एक और इंपॉर्टेंट चेंज है, अगर मैं 5 ब्लॉक से ऊपर, जो कि डेफिनेटली 5 ब्लॉक से ऊपर हाइट है, अगर मैं एक मॉब को मारू, दैट इज अ न्यू साउंड एंड इट इज इवन हेवियर साउंड वाइज। 3, 2, 1, आई थिंक वो नॉर्मल वाला था, आई डोंट नो, लेट्स सी। मैं 5 ब्लॉक के ऊपर हूं, दैट इज अ न्यू साउंड 110%। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले सबसे रेयर आइटम जो हम लोग को ट्रायल चेंबर में मिलता है, विच इज हेवी कोर। हेवी कोर में बहुत ही ज्यादा चेंजेस है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैंने तुम लोग को पिछली बार बताया था, इसको तोड़ने में तुम लोग को 45 सेकंड्स लगता है, एंड दैट वाज एक्चुअली ट्रू, बट माइनक्राफ्ट ने उसको चेंज करके 15 सेकंड्स कर दिया है। दैट इज एक्चुअली मैनेजेबल, बट स्टिल इट इज अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग एक और चीज टेस्ट करना है इसमें। अभी मैंने हाथ से तोड़ा और मेरे को एक्जैक्टली 15 सेकंड्स ही लगा। तुम लोग देख सकते हो हाथ से तोड़ने पर ड्रॉप होता है, याद रखना, सिर्फ टच की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, 15 सेकंड्स तो लग गया, अभी हम लोग एक नेदरराइट पिकैक्स लेते हैं जो एकदम मैक्स हो जाएगा राइट। एक हाथ से तो अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, क्या पिकैक्स एक्चुअली फर्क पड़ता है, लेट्स सी। That was about 20 seconds, और हाथ से तोड़ने में भी अराउंड 20 seconds मेरे हिसाब से, हो सकता है 15 seconds ही हो। बट तुम लोग इससे एक फैक्ट पता चल रहा है कि पिकैक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हेवी कोर सिर्फ हाथ से तोड़ो, पिकैक्स से तोड़ो, इट इज जस्ट लाइक अ बीकन। बीकन भी तुम लोग हाथ से तोड़ सकते हो कभी भी और मिल भी जाता है। जो हम लोग का इसके पहले वाला अपडेट था उसमें तुम लोग इसको वाटर लॉक कर ही नहीं सकते थे, वो बेसिकली टूट जाता था, बट ये वाले वर्जन में तुम लोग इसको वाटर लॉक कर सकते हो। वाटर की बात कर ही ली है, तो लावा की बात कर लेते हैं। पिछली बार जब हम लोग ने अपडेट किया था और अगर हम लोग ने उसमें लावा यूज करते और अगर हेवी कोर इधर प्लेस होता तो पता है क्या होता, हेवी कोर डायरेक्ट जल जाता है। बट अभी नहीं होगा ऐसा, हेवी कोर अभी सरवाइव कर लेगा बेसिकली लावा अगर फ्लो हो रहा है तो ही, बिकॉज अगर तुम लोग ने अगर समझो से लावा ऐसा प्लेस कर दिया और फिर उसके अंदर हेवी कोर प्लेस किया, देन वो जलने वाला है। पता नहीं क्या लॉजिक है, बट इट वर्क्स फॉर माइनक्राफ्ट। हेवी कोर के एक और न्यू चेंज है, विच इज इसका एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस। पिछले अपडेट में इसका एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस था ही नहीं, इसका मतलब मैक्स पे सेट था, एक्सप्लोड हो ही नहीं सकता था। अभी इसके एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस को ऑब्सीडियन जैसा बना दिया है, तो TNT से उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
एंड दैट्स इट। एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस के लिए था, दैट्स इट, बिकॉज अभी भी हैवी कोर के कुछ चेंजेस बाकी है। अगर मैं पिस्टन ले लूं और मैं एक रेडस्टोन ब्लॉक ले लेता हूं या फिर टॉर्च भी चलेगा, हम लोगों को सिर्फ एक्टिवेट करना है वो पिस्टन को। क्या लगता है अगर मैं वो पिस्टन प्लेस करूं और मैं इसको लाइट अप कर दूं क्या होगा? बेसिकली अगर तुम लोग ये चीज पहले करते थे तो वो आइटम टूट जाता था, तो इजीएस्ट वे टू ब्रेक इट वाज यूजिंग अ पिस्टन, बट अभी के वर्जन में सिंपली वो उसको एक्चुअल में पुश कर देता है। माइनक्राफ्ट ने इसको भी फिक्स कर दिया, तुम लोग बोल सकते ग्लिच था वो, अभी भी वो फ्लोट हो रहा है, दैट इज अ ग्लिच, बट हु केयर्स, यस यू कैन पुश इट विद पिस्टन्स। इसका एक और मेजर चेंज है। अगर एक काम करते हैं हम लोग, अगर मैंने अभी के कोऑर्डिनेट फील्ड में डाल दिया एंड देन मैं थोड़ा सा दूर जाता हूं और मैं जिस पोजीशन में एक्टिवली खड़ा उधर रहता हूं और मैं एक काम करता हूं, ये पूरे पोजीशन को हैवी कोर्स से भर देता हूं, तो तुम लोग को सिंपली पता चल गया मैंने क्या किया। अगर मैं मेरी इन्वेंटरी को क्लियर कर दूं, मैं एक मैप ले लूं और मैं एक एम्प्टी मैप को जस्ट इधर ही क्रिएट करूं, तुम लोग देख सकते हो इसका जो कलर है वो है ग्रे, जो कि एक्चुअली में हैवी कोर के स्ट्रक्चर से मैच करता है या फिर कलर से मैच करता है, बट पहले तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर उसका कलर ब्लैक हुआ करता था, तो ये भी एक मेजर चेंज है। तुम लोग को एक और हैवी कोर का कुछ मैं एक सीक्रेट बताऊं, हैवी कोर का एक और सीक्रेट जानने के लिए हम लोग लोकेट स्ट्रक्चर और हम लोग जाएंगे एंशिएंट सिटी में। मुझे पता नहीं तुम लोग ने ये रूमर सुना होगा कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा स्पेक्यूलेशन है। हम लोग एक काम करते हैं, नाइट विजन ले लेते हैं, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम लोग ने कुछ नोटिस किया, ये जो रीइंफोर्स डीप स्लेट ब्लॉक है इसमें ऊपर एक बॉक्स जैसा है, तुम लोग को आई थिंक समझ ही गया है। अगर मैं ये हैवी कोर को एग्जैक्टली उसी के ऊपर प्लेस करूं, तुम लोग देख सकते हो इट इज द एग्जैक्ट सेम साइज, दिस इज नॉट अ जोक, मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा, सेम साइज है, लिटरली सेम साइज है। माइनक्राफ्ट ने कुछ ना कुछ तो सोच समझ के किया होगा, हो सकता है हम लोग इधर हैवी कोर प्लेस करें तो नया डायमेंशन खुल जाए, मॉडल्स ने भी गेस किया था, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी ट्रू। और ये वाला भी एरिया बहुत ज्यादा खाली लग रहा है, इधर भी एक रीइंफोर्स डीप स्लेट जैसा ब्लॉक होना चाहिए जिसको हम लोग ऐसे भर सके और फिर पोर्टल एक्टिवेट हो। आई मीन वी विश ऐसा कुछ अपडेट आ जाए, बट मोजैंग बीइंग मोजैंग नहीं हो सकता। ये जो मेरे पास विंड चार्ज है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए, क्या चेंजेस है मैं तुम लोग को बताता हूं। मैं ये जो ब्लॉक्स प्लेस कर रहा हूं, ये दोनों ब्लॉक में कॉमन बातें क्या है, ये जितने भी ब्लॉक्स है ये फुल ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब तुम लोग समझे, अगर मैं एक विंड चार्ज लूं और मैं फेंकू, अभी के तो वर्जन में वो बाउंस कर रहा है, बट पिछले वर्जन में जैसा तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो इट लिटरली गोस थ्रू दिस। अगर मैं विंड चार्ज अभी फेंकू तो देखो तुम लोग बाउंस कर रहा है, बट पिछले वर्जन में ऐसा नहीं होता था, पिछले वर्जन में उसके थ्रू चले जाता था और फिर नीचे वाले डर्ट पे बाउंस होता था, विच वॉज एक्चुअली बियर्ड और मोजैंग ने उसको फिक्स कर दिया। अभी हम लोग जो 1.21 के नए एडवांसमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, इसके लिए हम लोग को एकदम ही ब्रांड न्यू वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। सबसे पहला अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेप फुट इनसाइड द ट्रायल चेंबर। तुम लोग देख सकते हो माइनक्राफ्ट ट्रायल्स एडिशन, इट इज अ जोक, दिस वाज अ सिंपल वन, जैसे ही तुम लोग एंटर कर लोगे तुम लोग को ये वाला अचीवमेंट मिल जाएगा, इट इज अ ग्रीन अचीवमेंट। नेक्स्ट अचीवमेंट सिंपल है, हम लोग के पास जो ट्रायल की है अगर हम लोग ने उससे वॉल्ट को यूज कर लिया देन हम लोग को ये वाला मिलेगा अंडर लॉक एंड की, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एडवांसमेंट। माइनक्राफ्ट वॉल्ट का लूट कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिव है और हैवी कोर मिलना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, तुम लोग को लग रहा रहेगा बहुत ज्यादा इजी है, इट इज एक्चुअली नॉट। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और किसी को भी अभी तक नेचुरली मिला ही नहीं हैवी कोर, बहुत ही ज्यादा कम लोगों को मिला है, सो इट इज काइंड ऑफ कंसर्निंग। नेक्स्ट 2 सेकंड हम लोग को ब्रिज ढूंढना है और तुम लोग देख सकते हो ये ट्रायल चेंबर का नया रूम है, तुम लोगों ने ऐसा रूम कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले ब्रिज को नीचे लेके जाता है, हम लोग को ब्रिज को ब्लॉक करना पड़ेगा जल्दी से, अभी हम लोग इसको ढंग से टेस्ट कर पाएंगे और ये वाला बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा करने के लिए। हम लोग को सबसे पहले 1 और 2 मारना है, अभी हम लोग सर्वाइवल में जाते हैं एंड विल लेट हिम हिट अस। ओके ये मुश्किल होगा। मेरे पास एक और आइडिया है, अगर मेरे को इधर से वो मारने दे, तुमने देखा मैंने क्या किया, मैं सिर्फ उसके अटैक को उसको डिफ्लेक्ट करके मार रहा हूं। अगर मैं ये सेम वे से करते रहूं और अगर वो मर जाए इससे देन मेरे को अचीवमेंट मिल सकता है। मैं उसको मारने का नहीं ट्राई कर रहा हाथ से, बिकॉज उसको लग सकता है देखो खुद से आया। दैट्स इट। तुम लोग देख सकते हो मेरे को अचीवमेंट मिला विच इज ब्लो बैक, दिस इज अ पर्पल अचीवमेंट। इसका मतलब सर्वाइवल में पुल ऑफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने जो ट्रिक फॉलो की एक्जैक्टली फॉलो करो, ऐसे कॉर्नर में आ जाओ, उसने मेरे को लिटरली कुछ डैमेज डील नहीं किया, मैंने उसको मार भी दिया इजीली। पर पहले 2 नेदरराइट का हिट या फिर 3 नेदरराइट का हिट देख लेना तुम लोग, और इससे तुम लोग को 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो भी ध्यान रखना। मेरा लेवल देखो 4 पे अभी। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सरफेस पे जाते हैं और अभी हम लोग को चाहिए रहेगा विंड चार्ज। ये वाला भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है पुल ऑफ करने के लिए, तुम लोग को ट्रिक पता होना चाहिए कि कब कैसे करना है। हम लोग को बेसिकली विंड चार्ज यूज करना है, बाउंस करना है और हम लोग को मिनिमम 8 ब्लॉक्स तक ऊपर जाना है। मैं खुद का ट्रिक कैसे भूल गया, 2 सेकंड अभी भी अचीवमेंट नहीं मिला। राइट, अगर हम लोग एडवांसमेंट सेक्शन में जाए, तुम लोग देख सकते हो नया एडवांसमेंट सेक्शन है, अपवर्ड्स अप टू 7 ब्लॉक्स लिखा है इसमें। ओके, वो पैच नोट्स में 8 ब्लॉक्स लिखा है, डेवलपर ने भी 8 ब्लॉक बोला, बट इट्स ओके। Oh, that was it. दोनों एक साथ टाइम करना है बस, दोनों एकदम परफेक्ट एक साथ टाइम हो गया। देखो 8 ब्लॉक से ज्यादा ही कर रहा हूं मैं, that's it. हम लोग को मिला who needs rockets। नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए हम लोग को क्राफ्टर के अंदर से क्राफ्टर क्राफ्ट करना है। हमने अभी सब आइटम्स ले लिया है क्राफ्टर के अंदर डालने के लिए। बीच में सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल, आजू बाजू में आयरन, साइड में हम लोग को क्या प्लेस करना है, रेडस्टोन डस्ट और बीच में डिस्पेंसर। अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक बटन लेना है, हम लोग इसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड देन हम लोग अपना अचीवमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। क्राफ्टर्स क्राफ्टिंग क्राफ्टर्स 3, 2 एंड दैट डिड नॉट वर्क। क्या हो गया ये? ओ एक्चुअली मैं ड्रॉपर था वो। I
एम रियली रियली सॉरी, इसी की वजह से वर्क नहीं किया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्राफ्टर क्राफ्टिंग क्राफ्टर, और तुम लोग देख सकते हो क्राफ्टर क्राफ्टिंग क्राफ्टर वाला अचीवमेंट कंप्लीट हो गया है, 10 ट्विस्टर है। मैक्स टू मैक्स अपडेट अचीवमेंट सब कुछ ट्रायल चेंबर से रिलेटेड है। तुम लोग जैसे ही ये कॉपर बल्ब को स्क्रैप कर दोगे तुम लोग को एक और अचीवमेंट मिलेगा व्हिच इज लाइटन अप। तुम लोग अगर वैक्स को कर दोगे तो वैक्स ऑफ भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो अचीवमेंट करने वाले दैट इज द टफेस्ट वन। एक काम करते हैं हम लोग इसका पूरा यूज करेंगे, बस मस्ती कर रहा हूं, तो ऊपर से जम नहीं करने वाला। बेसिकली हम लोग को मेस लेना है और मेस से हम लोग को 50 हार्ट्स ऑफ डैमेज करना है। मेरे को बेसिकली टेस्टिंग भी करना है कि 50 हार्ट ऑफ डैमेज कितने ब्लॉक्स से होता है। दिस विल बी अराउंड 10 ब्लॉक्स। अगर मैं 10 ब्लॉक्स के हाइट पे आऊं 3 2 1, हम लोग का अभी अचीवमेंट का ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बेसिकली तुम लोग कौन से भी एनिमल को डैमेज कर सकते हो, बिकॉज चाहे एनिमल का हेल्थ 15 हो, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, उसको 50 डैमेज तो हो ही सकता है, बिकॉज डैमेज से फर्क नहीं पड़ता है कि उसका हेल्थ कितना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डैमेज तो होना ही है उसको। हम लोग अभी अराउंड 15 ब्लॉक्स थे एंड दैट्स इट, अराउंड 15-20 ब्लॉक, दैट इज अ स्वीट स्पॉट। अगर उससे तुम लोग ने किसी की कौन से भी मॉब को मार दिया, लिटरली कौन से भी, तो तुम लोग का ये अचीवमेंट कंप्लीट हो सकता है, व्हिच इज ओवर ओवर किल। इसमें कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट ये पर्पल वाला तो तुम लोग को समझ गया इट इज क्वाइट टफ, और मेस मिलना ही टफ है तो क्या बोले। दैट इज इट फॉर एक्सपेरिमेंटल चेंजेस, बट अभी भी 1.20.5 के चेंजेस बाकी है जो अभी आने वाले हैं। तुम लोग ने मुझे हर जगह बोलते हुए सुना होगा कि जो भी पाउडर्स तो है उसके ऊपर अगर तुम लोग कारपेट प्लेस कर दो कौन से भी कलर का और तुम लोग एकदम ऊपर से आके उसके ऊपर गिरो तो तुम लोग को फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता है, बट माइनक्राफ्ट ने इसको चेंज कर दिया है 1.20.5 के अपडेट में। अगर तुम लोग सर्वाइवल में जाओ और तुम लोग इसके ऊपर गिरो, ओके मुझे डैमेज नहीं हुआ, दिस शुड नॉट वर्क, आई एम नॉट किडिंग, टेक्निकली ये काम नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है। What? Okay, I think Minecraft इसको फिक्स कर देगा, बट Minecraft ने 110% बोला है पाउडर स्नो के ऊपर कारपेट, ना, दैट डज नॉट वर्क। पहले काम करता था बट अभी फॉल डैमेज होगा। पिछला जो 1.20.5 का अपडेट आया था, अगर तुम लोग उसमें फॉर्च्यून का बुक सर्च करते थे तो फॉर्च्यून और सिल्टर दोनों बुक लिटरली गायब हो गए थे, उन्होंने उधर से फिक्स कर दिया। पिछले अपडेट में अगर तुम लोग रिसोर्स पैक के सेक्शन में जाते और अगर तुम लोग के पास इधर साइड स्क्रोलिंग बार होता तो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वियर्ड जीयूआई हो जाता, बट अभी सब कुछ फिक्स हो गया, सो नो टेंशन। एंड दैट इज इट फॉर द 1.20.5 एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटल चेंजेस। नाउ कमिंग एट द सैड पार्ट, एक साल पहले याद करो, एक साल पहले आर्मर ट्रिम रिलीज हुआ था, माइनक्राफ्ट ने आर्मर ट्रिम सेकंड हाफ में रिलीज किया था, मतलब जनवरी साइड में रिलीज किया था, 2023 के स्टार्ट में रिलीज किया था, और माइनक्राफ्ट ने उसके बाद एडवांसमेंट्स डाल दिए सब। एंड जब एडवांसमेंट्स डाल दिए उसके बाद आई डोंट थिंक मेजर अपडेट आया था कोई, तो दैट इज व्हाई आई एम स्केयर्ड, बिकॉज़ हो सकता है और कोई मेजर अपडेट ना हो 1.21 में। अभी तक जितने भी चेंजेस है 1.21 अपडेट के, इट इज नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग फ्रॉम अ गेम प्ले पर्सपेक्टिव। अभी एक चीज मैं बता सकता हूं, मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। अगर तुम्हें कोई वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना @bibofficial, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।